वेलकम बैक। अब बात चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत की। ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भारत की ओर से चुनी जाने वाली पहली फिल्म थी। हालांकि इसे फाइनल नॉमिनेशन में जगह नहीं मिल पाई थी। फिल्म आखिरी खत राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी। फिल्म की कहानी प्लॉट कुछ यूं है कि कुल्लू की वादियों में हीरो राजेश खन्ना और हीरोइन इंद्राणी मुखर्जी को प्यार हो जाता है। दोनों मंदिर में चुपके से शादी कर लेते हैं। अब हीरो अपनी पढ़ाई पूरी करने बंबई चला आता है और पीछे उनके प्यार का फूल नायिका की कोख में पलने लगता है। ये जानकर हीरोइन की सौतेली माँ उसे घर से निकाल देती है। हीरोइन अपने साल भर के बच्चे को लेकर बंबई आती है और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर मर जाती है। नन्हा सा एक साल का बच्चा बंबई में अकेला, बाप का पता नहीं, माँ मर गई। ऐसे में क्या होगा इस मासूम का? जाहिर है कि वो इधर उधर भटकता फिरेगा। ऐसे बच्चे की इस निरुद्देश यात्रा को फिल्माने के लिए कैमरामैन जाल मिस्त्री और चेतन आनंद ने एक अनोखा आइडिया निकाला। उन्होंने फिल्म में रोल करने वाले बच्चे को बंबई की सड़कों पर खुला छोड़ दिया। वो बच्चा जहां जहां जाता, चेतन आनंद और कैमरामैन जाल मिस्त्री उसके साथ साथ चलते रहते और उसके शॉट्स लेते रहते। इसीलिए उस बच्चे के बहुत से सीन्स हैंड हैंडल कैमरे से शूट किए गए हैं। ये कमाल की बात है, इस तरह का प्रयोग हिंदी सिनेमा में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरी खत, खयाम साहब का म्यूजिक था और कैफी आजमी ने गीत लिखे थे। जो गाना सबसे मकबूल हुआ वो था बहारों मेरा जीवन भी सवारो, कोई आए कहीं से। बीकानेर के गिरधर जी ने एक सवाल पूछा है। गिरधर जी पूछते हैं कि एक आध अपवाद को छोड़ दें, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो ज्यादातर हिंदी फिल्मों के रीमेक्स ओरिजिनल फिल्म्स के मुकाबले कमतर ही साबित हुए हैं, ऐसा क्यों? वो इस बारे में मेरी राय जानना चाहते हैं। गिरधर जी, आप प्रोग्राम में बने रहिए, मैं जरूर इस विषय पर अपने विचार आपके साथ शेयर करूंगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।